अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी भिंडी, वो भी डिफरेंट स्टाइल से। अचारी भिंडी बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, आइए मैं आपको बताती हूँ। आधा किलो मैंने भिंडी ली थी, इसको धो के मैंने पीछे करके ऐसे टुकड़ों की शक्ल में मैंने काट लिया। दो अदद प्याज लिए, लंबाई की सूरत में काटा है मैंने। मैंने आलू लिए दो से तीन अदद, उनको मैं ये चिप्स की शक्ल में काट लिया है, इनको मैं फ्राई करके डालूंगी। एक लीमू लिए, दो हरी मिर्चें लिए, इसमें मैं अचारी मसाला डालकर भरूंगी। दो टमाटर लिए, ट्यूब की शक्ल में काटे हैं। तीन अदद हरी मिर्चें लिए, बारीक बारीक काट लिए। मसाले लिए, ये साबुत गर्म पूरा मसाला है पिसा हुआ, यह अचार मसाला है जिसमें सौंफ, धनिया, जीरा, राई दाना, मेथी दाना, कलवंजी, ये सब चीजें मैंने मोटी मोटी कूट के रख ली है। तकरीबन एक टेबल स्पून है, एक टी स्पून हल्दी, एक टेबल स्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, नमक हसबे जायका, कुटी हुई मिर्च एक टेबल स्पून। चले आए, अब अचारी भिंडी बनाना शुरू करते हैं। देखें व्यूअर्स, कढ़ाई में मैंने तकरीबन एक कप ऑयल डाली है, ऑयल मेरा गर्म हो गया। अब मैं इसमें आलू की चिप्स डालूंगी। आलू की चिप्स डालकर मैं इसको तकरीबन लाइट गोल्डन करके निकालूंगी। देखें व्यूअर्स, चिप्स फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। आप भी चिप्स को बना के इसी तरह डालेंगे, क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं, आलू शौक से खाते हैं। मैं अभी निकालने लगी हूँ। माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी ये फ्राई हुई है। मैं सबसे पहले ऑयल में ये अचार मसाला डालने लगी हूँ। इसको हल्का सा मैं हला के फिर मैं प्याज डालूंगी, क्योंकि इसकी खुशबू ऐसे प्याजों में अच्छी आएगी मसाले में। देखिए मैं इतना हलाऊंगी इसको। अब मैं प्याज डालने लगी हूँ, इसमें प्याज डालते मैं इसको हल्का गुलाबी करूंगी। प्याज गुलाबी हो चुके हैं, अब मैं इसमें कटी हुई सब्ज मिर्चें डालने लगी। बिस्मिल्लाह, सब्ज मिर्चें डाल के ऐसे दो से तीन दफा इसको हिलाऊंगी। अब मैं इसमें भिंडी शामिल करने लगी हूँ। देखिए भैया, भिंडी में मैंने इसलिए डाली ताकि इसकी लेस खत्म हो जाए। जब लेस खत्म होने तक मैं इसको फ्राई करती रहूंगी, फिर मैं इसमें बाकी के मसाले डालूंगी। देखे वीर, भिंडी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, अब इसकी लेस भी खत्म हो गई है। अब मैं इसके बाकी के तमाम मसाले इसमें शामिल करने लगी हूँ। नमक आप हसबे जायका इस्तेमाल करें। मसालों को कच्चापन खत्म होने के लिए मैं इनको भूनती हूँ। जब तक टमाटर मैंने शामिल कर दिए, टमाटर डाल के मैं इसको 1 से 2 मिनट भूनूंगी। भिंडी में मैंने आलू की चिप्स शामिल कर दिए, साथ ही मैं गर्म मसाला डाल रही हूँ, साथ ही मैं हरी मिर्ची डालूंगी जो मैंने कट करके रखी है, और इस साथ ही इसके मैं लेमन जूस डालने लगी। चटपटी अचारी भिंडी माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी, अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा भिंडी का, रेडी हो चुकी है। हमें इसका चूल्हा बंद करने लगी हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारी अचारी भिंडी तैयार हो चुकी है। मैंने जिसको डिश आउट कर लिया है, इसकी ये फाइनल लुक है। माशाल्लाह जिस तरह इसका कलर है, इसकी खूबसूरती है, इसी तरह खाने में भी ये मज़ेदार है। आप भी ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।